हेलो दोस्तों, मेरा विषय नहीं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, जुड़े हम बात कर रहे हैं बिहार बीएड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में, किस डेट को काउंसलिंग होनी है और कैसे आप काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका जो रिजल्ट उसके बारे में आपको बताया, कैसे आपने जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को आप अंदर देखिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और ये जो पोस्ट है बिहार बीएड काउंसलिंग शेड्यूल 2018, आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो 23 जुलाई 2018 को जारी होने वाला है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी पिछली वीडियो हमारी जो चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 27 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2018 तक रहेगी। तो उसकी जो हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है बिहार बीएड काउंसलिंग शेड्यूल 2018 वो क्लिक करना है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लिंक के अंदर उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा उसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस डेट को क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का, जिसमें जो डेट है यहाँ भी देख सकते हैं, काउंसलिंग डेट 27/7/2018 से लेकर 8/8/2018 तक उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अपना जो शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे एडमिशन के दौरान काउंसलिंग के दौरान उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। इसमें आपको बिहार डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लेके जानी होगी, बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो स्कोर कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना होगा और फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी स्टूडेंट जो PWD में है तो कैटेगरी से है तो वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, इन कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से इन नंबरों पर कॉल करके ईमेल करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने आपको जो काउंसलिंग है उसके बारे में बताया कैसे आपको देखनी है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।